पहुंच चुकी हूँ अपने रूम पर, और ये है, इसे तो आप लोग पहचानते होंगे, काफी लोग पहचानते होंगे क्योंकि इसका ब्लॉग चैनल है मिस उत्तराखंडी। बहुत गंदी वीडियो बना रही है। ये सीधे आई और अभी हमारा खाना, इसने खाना बनाया और इसने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई, कितनी गंदी। झूठ भी नहीं, अरे मजाक कर रही हूँ, बना रखी थी एक रोटी, बना रखी थी एक रोटी, क्या हुआ तो कितनी बनानी थी अब छोड़ो। और सब्जी बहुत अच्छी बना रखी थी, सब में सब्जी तो काबिल तारीफ, मतलब तारीफ के काबिल रखी थी क्योंकि मैंने खाई ना, तब मतलब भूख में भूख में लगता है कि अच्छी होगी बना रखी। तब ये है हमारा रूम, मैंने मैं आपको अपना रूम बताना है, मत बताए मत बताए, सफाई नहीं कर रही और ये ऊपर ऊपर देखो आप, अभी ये है खिड़की, नीचे मत देखो और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस ये हमारा किचन, किचन का हाल अभी बहुत बुरा हो रखा है नीचे, ये देखिए अभी ऊपर बाद में बता लूँगी आपको अपना किचन। और ये है हमारा जहाँ हम रहते हैं पूरा कमरा, आई मीन पूरा मेरी दी। और ये यहाँ पर कामचोर बैठी हुई है, हेलो गाइस, ये देखो ये अभी उठ सोई, आई मीन अभी उठी भी नहीं है, टाइम हो रहा है 10:30 हो गए, ये अभी तक सो रही है, इसे बोलते हैं असली कामचोर, सबसे बड़ी कामचोर है ये यहाँ पर बैठ के। सो गाइस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मैं बहुत मतलब हो गए शायद 10-12 दिन हो गए, मैं 10-12 दिन से आ जा रही हूँ रूम पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मोटी, मेरे दोनों मोटी, मैं इन दोनों मोटियों को बहुत मिस, मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा याद आई, इन दोनों कुत्तियों की नहीं बस बल्कि मेरे इस ट्रफी की मुझे बहुत याद आई, आई मिस यू सो मच, मिस यू काटता भी आई, रुको हाँ बताती मैं, ये देखो कितना प्यारा है मेरा, कुछ दानी है मेरा, टफी है तेरे दिल ने, ओ माय गॉड नीचे गिर गया। सो गाइस यहाँ पे कल बना मैगी बनाते हुए पूरी 5 मैगी लाई मैं, देखो ये देखो, और ये कुत्तियाँ मुझे, मैं मैगी भी मैं लाई और बोल रही है कि खाना भी तू ही बना, ये देखो कितनी गंदी है ये सब, गंदी दाम चाहिए मोटी, दोनों मोटी हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे टेस्टी टेस्टी मैगी बना रखी है, ये देखिए ब्लॉगर लोग बांटते हुए मैगी, और मैंने बनाई मैंने है, और आपको गाइस ये मैंने बनाई है, कितनी झूठी है रे, झूठ क्यों बोल रही है रे, सारी सच में गाइस मैंने बनाई है, मजाक कर रही है गाइस मैंने बनाई है, और मैं गुड़िया की कैसी हो रही है, ठीक है मैंने इतनी कम मैगी निकाली अपने लिए और इनको छकी छकी दी मैंने, जाओ खुशी बोले सच्ची बोले कि मजाक कर रहे बोलो। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी मार्केट क्योंकि हमने इसका काम है, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ ऐसे खाली, और ये है बनियाड़ी गाँव रुका मैं सी, देखिए यहाँ के कमरे कितने प्यारे हैं, और ये यहाँ से हम जाते हैं नीचे सड़क में, तो ले जाओ आपको सड़क में के। सो गाइस ये है अगस्त्य मुनि बाजार, देखिए कितना बड़ा बड़ा है, और ये है यहाँ की क्वीन, क्वीन मजाक करी, यहाँ की चुड़ैल है, डायन है, किसी पे भी लग जाती है, तो देख सकते हो कितनी भीड़ भर रखी है। ये है विजयनगर है नहीं, तो गाइस मेरे को वो हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ, तो मैं आपको आज पूरा बाजार दिखाऊंगी क्योंकि हम बाजार घूम रहे होगा ना, हाँ जिनका नहीं देख रखा होगा रे उनके लिए, और जिनका देख रखा उनके लिए फिर से एक डेमो। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर फ्राई मोमो मंगवाए हैं क्योंकि आज हम पहली बार फ्राई मोमो खाएंगे, वैसे तो हमें नॉर्मल मोमो बहुत पसंद है बट आज हम फ्राई मोमो भी ट्राई करेंगे कैसे होते हैं,
देख सकते हैं आप कितने दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मोमो खाने आए हैं, देखिए इसको, और ये है ऋतु आ रखी है हमारे साथ, दिख नहीं रही है, मैं देर में बैठ रखी है। तो दिखाती हूँ आपको बनने के बाद। हम आ चुके हैं अपने कमरे पे, बाजार गए थे तो वहाँ से सामान सामान लेके सब चीज़ लेके यहाँ आए, क्योंकि हमारा कुछ काम था बाजार में, तो हम अभी आ रहे हैं जस्ट। तो बहुत थकान लगी है, सो रही हूँ मैं, तो बाय, मिलती हूँ आपको बाद में, ठीक है, बाय। अभी मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सोई, क्योंकि प्रिया 3 बजे कंप्यूटर गई, तो मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रही थी, पढ़ा भी नहीं जा रहा था मुझसे। और देख सकते हैं आप छोटी बच्ची, मिले छूने छू जाए, परेशान मत कर यार दीदी, गंदी तो गाय मेरे को सोने भी नहीं दे रही, गंदी बच्ची, सोने दे ना मैं, गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची। तो गाइस ये मुझे खाना बनाने का ऑर्डर दे रही है, देखा कितने कितने जुल्म करती है मुझ पे, जुल्म क्या बोलते हैं उसे, जुल्म जुल्म जुमर जुल। तो गाइस हम सो रहे हैं, सो नहीं रहे, अब दीदी खाना बनाएगी, वाह मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सब्जी बनाऊंगी मैं सब्जी बनाऊंगा, दीदी रोटी बनाऊंगा, हाँ हाँ जो भी बनाना है वो बनाएंगे। गाइस अब ज्यादा देर ना करते हुए दीदी अब खाना बनाएगी, उठ उठ, मुझे रोना आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है। गाइस कौन कौन खाना बनाने आएगा बता, कोई नहीं मैं आऊंगा, आएगा मेरे साथ आवे, मैं खाऊंगा, खाने के लिए आऊंगा सब, अरे दीदी सब खाने के लिए आएंगे। सो गाइस अभी मेरी हिंदी थोड़ी खराब हो गई है इसके साथ रह के, मेरे को इंग्लिश आती है खाली, क्या बोल रही है ऐसा, मेरे को सिर्फ इंग्लिश आती है। अच्छा इंग्लिश की स्पेलिंग बोल दो, ENGLISH। चलो दोनों खाना बनाते हैं यार, चल यार, चलो यार बाय, भूख लग गई, बाय बाय टाटा, मेरे ब्लॉग भी देखना ठीक है, अभी अपन भी बनाएगा ब्लॉग, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादी हैं, मैं इनको बहुत ज्यादा लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे नानी जी हैं, इसके कुछ नहीं है, मेरे अपने दादाजी की बहुत याद आती है, वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। गाइज बाय बाय। सो फ्रेंड्स अभी हम खाना बना रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर चावल रख दिए हैं, और ये महारानी यहाँ पर कटिंग करने पर लगी हुई है सब्जी की, क्या की कटिंग सब्जी की, और चटप हाथ कट चुका है, और इसलिए सब्जी मैं काट रही हूँ, बहुत गंदा लग रहा, गंदा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका हाथ कटा, गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि सब्जी मुझे काटनी पड़ रही है। खून भी आ रहा है, और ये ऐसे पोज बना के दे रही है, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया इसने, उस मतलब ना रोना धोना था थोड़ा सा, ऑडियंस को लगे कि हाँ इसमें दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये आलू काट दिए हैं, और इसे देखिए टमाटर काटने की बिल्कुल लागत नहीं है, इसका सब और बिल्कुल भी नहीं है, देखो कितने बड़े बड़े, ये देखो मैं इसे एक टुकड़ा बता दूँ आपको, दीदी मत दिखाया, और ये मेरा भात बन चुका है यहाँ पर, बन रहा है क्या मेरा भात हाँ वही जो भी है, टैन टैन। मैं कल के ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो ब्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाया था, तो मैं अभी हम बाजार जा रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, अभी हम बाजार जा रहे हैं क्योंकि ये कुछ काम है हमारा, इसका मतलब कुछ है वो बता नहीं सकते, और अभी हम जा ही रहे हैं यहाँ पर, देखो धूप यहाँ बहुत लेट में लगती है यार, यहाँ ठंड से ना हमारे हाथ पैर एकदम जम जाते हैं, और आवाज़ भी कितनी गंदी आ रही है ठंड से। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको बाद में, ठीक है बाय।
तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे डांस किया क्योंकि यहाँ हो रही थी पार्टी, जो पार्टी जीती थी उनके तरफ से पार्टी हो रही थी, और ये रोहित है जिसने आगे हाई हेलो किया, और ये भूखड़ हमेशा खाती रहती है, और मेरी डांस कर करके हालत खराब हो गई है आज। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको बाद, डांस होगा तब दिखाऊंगी फ्रेंड्स। अभी रात का टाइम हो रहा है और हमने खाना नहीं बनाया, अब बनाएंगे खाना। और आज हमने कॉलेज में बहुत डांस किया और हमारे पैर बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए चलने लायक नहीं है, ये बोल रही थी मैं। और सो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।